ग्रीटिंग्स टू माय व्यूअर्स, वेलकम टू योर चैनल शालीन भोला EDU। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। हम कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन के बारे में कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। लेकिन उसे पढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक इट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन सो दैट यू कैन रिसीव द न्यू नोटिफिकेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। अब यहाँ लिखा क्या है, एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनमस कंप्यूटर्स। अब इसका मतलब क्या है, नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी है हमें? सबसे पहले हमें जरूरत क्या है नेटवर्क की? नेटवर्क की हमें जरूरत है क्योंकि हमने कम्युनिकेट करना है, ठीक है। जब रिमोट कंप्यूटर्स पे हमने कम्युनिकेट करवाना है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, रिसोर्सेज को शेयर करना है, तब हम यूज करते हैं कंप्यूटर के नेटवर्क को। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इंटरकनेक्टेड कलेक्शन है। अब इंटरकनेक्टेड का क्या मतलब है यहाँ पे, दैट मीन्स द कंप्यूटर्स शुड बी एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर आपस में इंफॉर्मेशन को चेंज कर पाते हैं तो वो हमारा नेटवर्क बन जाता है। और दूसरी बात क्या है, इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनोमस? ऑटोनोमस का मतलब है कि आपके जो कंप्यूटर, हम बात कर रहे हैं कि इनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए, राइट? इनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारे ऑटोनोमस होने चाहिए। ऑटोनोमस से क्या मतलब है यहाँ पे, कि दैट देयर शुड नॉट बी एनी मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। देयर शुड बी नो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप अमंग द कंप्यूटर्स। दैट मीन्स कि जो कंप्यूटर है वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि कोई भी कंप्यूटर, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को फोर्सिबली न स्टार्ट कर सके न स्टॉप कर सके, यानी कि कोई मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। आप एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन आपस में कनेक्टेड होने चाहिए वाया सम ट्रांसमिशन मीडियम। क्योंकि कनेक्टेड होंगे, कोई मीडियम होगा बीच में, तभी वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाएंगे। दो इंसान आपस में बात करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बीच में एक मीडियम है, एयर। अगर एयर मीडियम नहीं होगा बीच में तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। वो ट्रांसमिशन मीडियम कुछ भी हो सकता है, आपकी माइक्रोवेव्स हो सकती हैं, आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो सकता है, आपका वायर्ड कम्युनिकेशन यानी कॉपर वायर के थ्रू आप कम्युनिकेट करवा सकते हो, या कोई फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए। तो हमारे पास आगे आने वाले लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन मीडियम कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो बेसिकली हमारी डेफिनेशन क्या है कि आपस में कंप्यूटर को जोड़ना है हमने, ताकि वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाए और कंप्यूटर्स के बीच में कोई भी मास्टर स्लेव रिलेशनशिप ना हो। थैंक यू सो मच।